लव स्टोरी एक तेलुगु रोमांटिक फिल्म जिसे हाल फिलहाल यानी कि 24 सितंबर को कर दिया गया थिएटरों में रिलीज, और ये मैंने देख लिया। देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका कैसा रहने वाला है, ये सब जानने के लिए तो आपको इस रिव्यू बने रहना होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले कास्ट की बात कर ले तो नागा चैतन्य, साई पल्लवी आपको इस फिल्म में नजर आने वाले हैं, वही मेन लीड में, और उन्हीं के बाद और भी सपोर्टिंग कास्ट में आपको अच्छे एक्टर देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे इसकी स्टोरी, ज्यादा स्पॉइलर ना फैलाते हुए सबसे पहले बताऊं, एक लड़का है एक लड़की है। जी हाँ, साई पल्लवी एक लड़की है जो कि एक अच्छी डांसर है, लेकिन दूसरी तरफ एक लड़का है जो है नागार्जुन, जो भी अच्छा डांसर आप कह सकते हो। जी हाँ, लेकिन अब वो ना उस लड़के को उस लड़की से प्यार हो जाता है, और उस लड़की को भी उससे प्यार हो चुका है। अब दोनों को प्यार तो हो गया, लेकिन जब बात आएगी ना अब शादी की, तो उस बात के ऊपर होने वाला लफड़ा, क्योंकि दोनों की जात है अलग। अब ये दोनों की जात अलग है, जिस वजह से अब वो प्यार को भी आगे नहीं बढ़ा रहे। अब उन दोनों की शादी होगी या नहीं, वो जात के बिना अब शादी करेंगे या नहीं, या दोनों भाग जाएंगे या घर वाले मान जाएंगे, ये सब जानने के लिए तो आपको सीरीज कह रहा हूँ यानी कि मूवी को थिएटर में जाके देखना होगा दोस्तों। मेरे मुँह से कुछ भी निकल जाता है। अब बात करूँ कहानी कैसी थी, आपको बताओ कहानी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ऐसी कहानी काफ़ी सारी पहले बन चुकी है, तो कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं था, लेकिन इसका एक्सक्यूजन वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। और वहीं बात करूँ जो इसकी प्रेजेंटिंग है, वो काफ़ी अच्छी खासी और खूबसूरत तरीके से आपको पेश की गई है। लेकिन वहीं बात कर ले अब जो इस कहानी के अंदर लव, रोमांस, कॉमेडी और इमोशन का तड़का डाला गया, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डाला गया, जो आपको इंप्रेस करने में कामयाब रहा। लेकिन अब बात कर ले इसके स्क्रीन पे, तो फर्स्ट हाफ आपको बताओ, फर्स्ट हाफ ना आपका यूं ही गुजर जाएगा लव, रोमांस और कॉमेडी में। जी हाँ, आप कह सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो आपको इंप्रेस करता है। लेकिन सेकेंड हाफ आते ही ना अब इमोशनल भर भर के आपको नजर आएगा, लेकिन वो इमोशनल ऐसा नहीं है कि आपको बोर करते, वो सिचुएशनल इमोशनल सीने होने वाले, और कुछ कंडीशन ऐसी दिखाई जाएंगी फिल्म के अंदर जो कि आप रिलेट भी कर पाओगे। जी हाँ, जो आपको बांधे रखती है, जोड़े रखती है, और एंड तक आप फिल्म जब तक नहीं देख लोगे पूरी, आप उठने नहीं वाले। तो आप कह सकते हो कि जो स्क्रीन प्ले का बैकग्राउंड स्कोर है वो काफ़ी ज़बरदस्त निकल गया है। अब बात करेंगे देखो एक्टिंग की, नागा चैतन्य ने एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन की है, बहुत ही शानदार, और जो इनका सीरियस बना है ना, वो एक साथ बदल जाते हैं ना, करेक्टर को एक साथ चेंज कर लेते हैं, वो काफ़ी अच्छी लगी। और साई पल्लवी तो तुम्हें पता ऑलवेज बेस्ट होती हैं यार, और इसमें भी मुझे उनका जो हसीन स्माइल चेहरा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और वो स्माइल करती हुई रहती है तभी फिल्म के अंदर चार चांद लग जाते हैं। अब बात करूँ इसके बीजीएम की, तो बीजीएम ठीक ठाक है, और वहीं बात कर ले इसका जो म्यूज़िक था वो काफ़ी अच्छा खासा था, जो इसके सॉन्ग थे वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, यानी कि मुझे एक सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगा इसका। जी हाँ, अब बात करें इस फिल्म के अंदर जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो कैसी थी, तो वो बहुत ही अच्छी है। जो इसके अंदर VFX और सिनेमोग्राफी पर काम किया गया वो काफ़ी अच्छा था। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर ले इस फिल्म को आप देखें ना देखें, तो उससे पहले बताऊँ आप इसे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो, बस एक दो किसके सीन आपको नजर आ जाएंगे। जी हाँ, तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन आप देखना चाहते हो ऐसी एक सिचुएशनल रोमांटिक लव स्टोरी जो आपको हकीकत से वाकिफ कराने में थोड़ा बहुत तो कामयाब रही है। जी हाँ दोस्तों, तो आप इसे जाके देख सकते हो, और ये आपको इंजॉय कराने में भी कामयाब रही है। तो भाई इसके लिए जो मैं रेटिंग देना चाहूँगा वो देना चाहूँगा 7/10, जो काफ़ी बेहतरीन है इसके लिए। वहीं बात करूँ मैं कहाँ मिलूँगा, मैं तो इंस्टाग्राम पे मिलूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में फिर से दोबारा मिलने वाला हूँ आपको। तो जल्दी आ रहा है तुम्हारा भाई वापस, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, चैनल को लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब करना।